हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल आप लोग का वीडियो नहीं आ पाया, कारण यही कि पूरे विश्व में यूट्यूब का सर्वर डाउन हो चुका था। तो चलिए, आज का टॉपिक है बीजांड का निर्माण, विकास और संरचना, यानी इसका निर्माण कैसे होता है, विकास कैसे होता है, इसका रचना क्या है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, बीजांड का निर्माण, ओव्यूल का निर्माण, इसके पहले आपको समझना होगा कि गुरु बीजाणु क्या है और गुरु युग्मक जनन क्या है। तो समझिए, इसको बढ़िया से पूरा वीडियो देखिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि यह इंटर का क्लास नहीं है कि आपको यहाँ पे इसका डिफिनेशन बताएंगे तो हु बहु डिफिनेशन लगेगा। नहीं, यहाँ पे बीसीसी और नीट का क्लास चल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और जो बताएंगे वो पूछेगा, क्योंकि 2020 में हु बहु बताया था, वो क्वेश्चन लड़ा था। अब पढ़वे नहीं किया, किस बच्चा ने याद नहीं किया था, तो बनेगा का, याद कीजिएगा तब ना बनेगा। देखिए निर्माण इसका, देखिए निर्माण में दो बात आती है, एक गुरु बीजाणु जनन और एक आता है गुरु युग्मक जनन। तो गुरु बीजाणु जनन होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो बीजांड जो होता है मादा जनन का पार्ट होता है, मादा जनन अंग का भाग होता है, होता है। और इसके पिछले क्लास में पढ़ रहे थे लघु बीजाणु, तो लघु बीजाणु जो था वो था आपका नर जनन अंग का भाग था, लेकिन यहाँ पे गुरु बीजाणु की बात करें तो मेगास्पोर, तो मेगास्पोर जो होता है आपका मादा जनन अंग का पार्ट होता है, और गुरु बीजाणु जनन को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे समझ आती, देखिए यहाँ पे एक एक बात समझते चलिएगा कि गुरु बीजाणु का जो निर्माण होता है, गुरु बीजाणु के निर्माण को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन निर्माण कैसे होता है? तो गुरु बीजाणु का निर्माण होता है अंडाशय, अंडाशय यानी ओवरी जो होता है, अंडाशय के एमएमसी यानी एमएमसी पिछले क्लास में पढ़े थे कि माइक्रोस्पोर मदर से, लेकिन यहाँ पे मादा जनन अंग की बात करें तो मेगास्पोर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंडाशय के मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी के मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के टोटल चार कोशिका का निर्माण करता है। यहाँ पे समझना है, चार कोशिका का निर्माण करेगा, और जब चार कोशिका का निर्माण करेगा तब गुरु युग्मक जनन की बात आती है, यानी युग्मक का बात आता है। तो गुरु युग्मक जनन में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, पहले गुरु बीजाणु की बात कर, एक कोशिका रहेगा तब ना अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो चार कोशिका का निर्माण करेगा। तो एक कोशिका की बात करें तो इस कोशिका में एक केंद्रक होता है, अरे कोशिका है, कोशिका में वो केंद्रक भी है। तो जब कोशिका में केंद्रक होता है तो एक केंद्रक एक बार विभाजित करता है, एक बार विभाजित किया तो दो कोशिका का निर्माण करता है, ये दो कोशिका, तो कोशिका में केंद्रक होगा, दो कोशिका फिर दोनों एक एक बार विभाजित करेगा, तो टोटल कितना कोशिका का निर्माण कर रहा है, चार कोशिका। तो वही बात के है ना कि गुरु बीजाणु द्वारा, गुरु बीजाणु जनन जो होता है अंडाशय के मेगास्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, और इसमें कोशिका होता है जो चार का निर्माण, यानी चार कोशिका का निर्माण करता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या अगुणित होता है, यानी हेप्लॉयड होता है, एन होता है। और जब यहाँ पे चार का निर्माण हो रहा है, चार कोशिका का, तो इसमें से क्या होता है ना कि जैसे युग्मक बनने के समय आता है, केंद्रक का समय आता है, तो इनमें से तीन गो नष्ट हो जाता, क्या होता है, तीन कोशिका नष्ट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, तीन कोशिका नष्ट होता है। जब तीन कोशिका नष्ट हो जाएगा तब एक तो बचेगा ही, जब तीन नष्ट होगा तो एक बच रहा है, तो एक कोशिका बच गया, तो एक कोशिका बचा तो इसका केंद्रक फिर दोबारा पुनः फिर से एक बार विभाजन होगा, तो एक बार जब विभाजन होगा तो फिर दो कोशिका, आई दोनों कोशिका के केंद्रक क्या होता है कि दोनों आपस में विकर्षित होता है, क्या होता है, दोनों आपस में विकर्षित, अरे जब विकर्षित होगा तो दूर भागेगा, तो बीच में दोनों था तब विकर्षित हुआ, तो दोनों एकागो किनारे किनारे पकड़ लिया, यानी दोनों लड़ गया, झगड़ गया, तू का तू उन्ने जो हम जो एन्ने, दोनों अलग अलग चल गया, तई जो अलग अलग ऊपर के भाग को बोलते हैं ध्रुव, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ध्रुव, बोलते हैं पोल बोलते हैं, यानी अलग अलग ध्रुव पर चला जाता है। जब अलग अलग, देखिए समझिए,
एक वो व्यक्ति रहता है तो साथ में उनका शादी ब्याह होता है तो दू गो होता है। शादी ब्याह हुआ यानी विभाजन हुआ तो दू गो हुआ। अब शादी ब्याह हुआ तो कर दोनों देखिए, शादी ब्याह तो अगर बाल बच्चा हुआ तो बाल बच्चा हुआ तो फिर दोनों बाल बच्चा कह रहा है बड़ा हो गया तो बाल बच्चा बड़ा हो तो एगो उन्ने कमाए एगो इन्ने कमाए गया दोनों लड़के तू घर में रह में तो वो इन्ने भेजा दिया वो इन्ने भेजा दिया। अब जब दोनों अलगे अलगो चलिए गया तो फिर क्या कहता है कमाए चल गया तब दोनों मिलके बाल बच्चा एक शादी कर लिया तो एक दोनों बाल बच्चा एगो कोस का था दोनों ध्रुव पर तो एगो शादी कर लिया तो एक का औरत आ गया तो ये आ गया तब अब दोनों शादी किया दुगो हुआ तब दोनों का कह रहा है कि दोनों का तो दोनों का एका को बाल बच्चा एगो लड़का एगो लड़की तो यानी दुगो बाल बच्चा हुआ दोनों बेटवा के तो एक पोता हो गया। तो जब चार चार आठ यानी लगातार अब यहाँ पे समझिए कि ये तो जो बचा था कोश का वो विभाजित होकर दो कोश का बना और दोनों में एका वो केंद्र फिर दोनों केंद्र में विकसित होकर अलग अलग ध्रुव पर चला जाता है। जब अलग अलग ध्रुव पर चला जाएगा तो दोनों फिर करता है कि लगातार दो बार लगातार लगातार दो बार विभाजित करता है केंद्र और लगातार दोनों कोशिका का दो बार विभाजित करेगा दुगना तो दो दुना चार केंद्र का निर्माण करता है। टोटल कितना केंद्र चार केंद्र का निर्माण होता है और चारों केंद्र का जब निर्माण होता है तब यानी चार को बाल बच्चा हो गया है कर दू को एगो पति एगो पत्नी दू गो बाल बच्चा हो गया यानी टोटल मिलाकर चार को हो गया। तो चार को हो गया तब कहता है दोनों के बाल बच्चा एकाओ का कहता है कि हम जा रहे हैं कहां दादी घर दादी घर कहां बीच में तब दोनों में से एकागो बाल बच्चा ही चलाया यानी दोनों केंद्रक एकागो बीच में ही चला आया केंद्र कहा गया बीच में। अब बच गया यहाँ पे एगो एगो बाल बच्चा भी एगो देखी ये औरत मर्द यानी माता पिता दोनों एगो लड़कावा साथ में रह गया तो ऊपर में भी बिल्कुल रह जाएगा एगो लड़कावा रह जाएगा रहता है ना। तब समझिए यानी लगातार चार बार विभाजित करता है तो दोनों ध्रुव से बीच में एका वो कोशिका आता है और कोशिका में केंद्रक रहता है तो दोनों एकक केंद्रक बीच में आता है और बाकी ऊपर नीचे तीन तीन बच जाता है तो दोनों जो बीच में आता है इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक पोलर निकलवाई ध्रुवीय केंद्रक समझिएगा इसको इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं और बीच में नीचे ऊपर बच जाता तीन गो तो तीनों जो कोशिका बच गया इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं एंटीपोडल सेल इसको समझना है एंटी एंटीपोडल सेल। देखिए अब यहां पे बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है यहां से पूछा जाता है ना कि यहां से जब भी पूछेगा यहीं से पूछेगा। ये हो गया बीजांड। अब देखिए तीन एंटीपोडल सेल एक बच के तीन एंटीपोडल सेल बच रहा है और तीन को नीचे बच रहा है बीच में दोनों आ गया तो ये हो गया ध्रुवीय केंद्रक। एकरा में देखिए ये तीन को बच गए एंटीपोडल सेल ये तीनों माता पिता दोनों लड़का वा कहता है तीनों साथे रहेंगे तो यू कहता है नहीं कर एगो बाल बच्चा एगो चलिए गया था ते एगो बच रहा था बचवा ते वो कहता कि ना हम तोरा साथे ना रहम हमार अलग नाम रख तेकर अलग नाम रख दिया एग सेल यानी अंडकोश का एग सेल इसको नाम रखा एग सेल हिंदी में बोलते अंडकोश का। अब दू गो बच गया ये माता पिता तो कहता तू अपन नाम तो रखिए लिए बेटा एग सेल तो हम तो छोड़ेंगे नहीं तोरा तोरा सहायता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे चाहे तू जे करो काम तो सहायता में खड़ा रहेंगे तब एकर नाम पड़ गया सहायक कोशिका एकर नाम पड़ गया ये दोनों को सहायक कोशिका इसको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं सिनर्जिड बोलते हैं। अब इसको नाम पड़ गया सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका हिंदी में सहायक कोशिका। अब यहां पे क्वेश्चन पूछता है कि बीजांड में कितना सहायक कोशिका तो दू गो कितना अंड कोशिका था एक गो कितना एंटीपोडल सेल तीन गो और कितना ध्रुवीय केंद्रक तो दो गो। समझ में आ रही बात यहां से ऑब्जेक्टिव निकालता है और पूर्ण रूप से बीजांड का निर्माण हो गया बीजांड का विकास हो गया। अब इसकी रचना देखते हैं ध्यान में रखिएगा कि चार गो आठ गो यहां पे ध्यान रखिएगा कि आठ केंद्रक
यानी लगातार दो बार विभाजित हुआ था, चार नीचे चार ऊपर, आठ केंद्रक, आठ केंद्रक का निर्माण किया, और आठ केंद्रक जो है आठों केंद्रक के अलग अलग नाम हुआ, तीन गो के एंटीपोडल सेल, दो गो के ध्रुवीय केंद्रक, एक गो के एग सेल अंडकोशिका, और दो गो के सिनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल इसको बोलेंगे। अब ये निर्माण हो गया। अगर कोई बच्चा इसको नोट्स बनाना चाहता है कि इसके बारे में, युग्मक जनन के बारे में और गुरु बीजाणु जनन के बारे में लिख ले तो नोट्स तो भी लिख सकते हैं, इसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं। और ये फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये ट्वेल्थ नहीं है कि परिभाषा देना है, ये फिगर याद रखना है, सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्वेश्चन जो भी उठेगा यहीं से उठेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं सबके बारे में, आप उतार लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए मेगास्पो, इसको लिख लेना है नोट्स, ये आपका नोट्स हो जाएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। मेगास्पोर बनने की क्रिया को मेगास्पोरोजिनेसिस कहते हैं। उसके बाद मेगास्पोर का निर्माण अंडाशय के एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी यानी हेप्लॉयड आगुनित होता है। उसके बाद सर्वप्रथम मेगास्पोर एमएमसी द्वारा चार कोशिका यानी चार सेल का निर्माण होता है, यानी चार कोशिका का निर्माण करता है। उसके बाद चार कोशिका का निर्माण करता है और बाद में क्या होता है, तीन कोशिका का नष्ट हो रहा है, तीन कोशिका नष्ट होता है और शेष बचा एक कोशिका क्या करता है, द्वारा केंद्रक का विभाजन करता है और दो केंद्रक बना देता है। अभी हम बताए थे दो केंद्रक, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनाया था और दोनों क्या हुआ था कि दोनों लाल झगड़ के गोन्ने भाग गया, एगो इन्ने भाग गया, दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों केंद्रक विकसित होकर के आपका लाल झगड़ के हम समझाए थे, तो विकसित होकर के विपरीत ध्रुव पर क्या होता है, चला जाता है और इसके बाद प्रत्येक ध्रुव का केंद्रक लगातार दो बार विभाजित होता है, कितना बार, लगातार दो बार विभाजित होता है और टोटल आठ केंद्रक का निर्माण करता है। और उसके बाद अंत में प्रत्येक ध्रुव से, प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्रक केंद्र में, केंद्र मतलब का बीच में, एक एक केंद्रक बीच में आकर यानी केंद्र में आकर ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है, क्या करता है, ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है। और इसमें लिख दीजिए कि बाकी ऊपर वाले ध्रुव में जो तीन कोशिका बचता है उसमें तीन एंटीपोडल सेल होता है, आठ के यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि आठ केंद्रक में आपका दो, आठ केंद्रक में दो पोलर न्यूक्लियाई, तीन एंटीपोडल सेल, एक अंडकोशिका और दो सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल होता है, और इस प्रकार पूरा परिपक्व बीजांड का निर्माण हो जाता है। अब इसकी रचना देखते हैं कि रचना क्या है। बीजांड की रचना हम आपको पहले भी बता दिए कि आठ केंद्रक होता है, उसके बाद दो बीच में आता है, एकक केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक दो बनता है, तो रचना ही हो गया। लेकिन पूर्ण रूप से रचना देखिए इस टाइप का होता है, और इसमें देखिए जो बीजांड की रचना होती है उसमें बाईस का दीवार दो होता है, एक बाह्य स्तर होता है, एक अंतःस्तर होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो बीजांड होता है ये दो दीवार से होता है, एक होता है बाह्य आवरण, एक होता है अंतर, अंदर वाला आवरण को अंत आवरण बोलते हैं। इसको मूल रूप से बोला जाता है इंट्यूगमेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंट्यूगमेंट बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि बीजांड के दीवार को इंट्यूगमेंट कहते हैं, दो गो होता है, एक बाहरी वाला एगो अंदर वाला, यानी अंत आवरण और बाहरी आवरण, यानी इसको कह सकते हैं कि अंत स्तर और बाहरी स्तर ये कह सकते हैं। और इसमें बताए थे कि रचना में क्या बताए, रचना यहाँ पे बनाए थे अभी कुछ देर पहले, तो वही रचना इसको बड़ा में है कि इसमें तीन एंटीपोडल सेल होता है, कि होता है तीन एंटीपोडल सेल ही होता है, होता है कि नहीं होता है। और इस बीजांड के सबसे ऊपर का भाग होता है इसको बोलते हैं चैलेजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैलेजा। लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं कहीं किताबों में मिलेगा इसको लिखा कैलेजल, क्या लिखा रहेगा, कैलेजल सीरा, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई कोई बुक में लिख देगा चैलेजा के जगह पे कि ऊपर वाले भाग को कैलेजल सीरा बोलते, क्या बोलते हैं, कैलेजल सीरा बोलते हैं। और इसके बीजांड के बीचों बीच में भ्रूण कोष होता है जहां भ्रूण का निर्माण होता है, और इसके नीचे
और यहाँ पे समझिएगा कि बीजांड के बीचों बीच में बताए थे कि ऊपर और नीचे से एक द्वैकक न्यूक्लियस जाता है, एक एक केंद्रक जाता है, तो जाकर बनाता है क्या, वो बनाता है आपका ध्रुवीय केंद्रक। लेकिन बीजांड यहाँ की रचना हो जाती है, बीजांड पूर्ण रूप से निर्माण होना शुरू होता है, तभी संख्या जो पहले हेप्लॉयड होता है, अगुणित होता है, एन होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, फिर 2n हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। और इसमें इसके नीचे बताए, देखिए ये नीचे वाले जो भाग दिखाई दे रहा है ना, इस भाग को बोलेंगे बीजांड द्वार। क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार, यानी बीजांड का गेट। और इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल बोला जाता है। और बीजांड के ऊपर यानी माइक्रो आपका माइक्रोपाल, बीजांड के माइक्रोपाइल के ही समीप क्या होता है, इसमें बताया एक अंडकोश का एक सेल होता है, दुस्सहायक कोश का यानी सिनर्जिड होता है, और बाकी जो बच जाता है डंठल, इसको बोलते हैं बीजांड के डंठल को बोलते हैं फनिकल बोलते हैं, और इसके आवरण को बोलते हैं हीलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस भाग को हीलम बोलते हैं। ये बीजांड की रचना कोई ज्यादा हाई नहीं, यहां से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो वही से पूछेगा जो रचना अभी बताए थे कुछ देर पहले आठ गो वाला, वही से क्वेश्चन दो क्वेश्चन उठाएगा, और यहां से क्वेश्चन नहीं उठाई जाती है। तो इसको समझ में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखिएगा कैसे कि ओव्यूल के भाग को, यानी ओव्यूल दो स्तर का बना होता, दो आवरण का, और दोनों आवरण को इंटिगमेंट कहते हैं, एक बाहरी आवरण एक अंत आवरण होता है। और बीजांड के सबसे ऊपरी भाग में एंटीपोडिन एंटीपोडल सेल होता है, और ऊपरी भाग को चैलेजा या कैलेजल शिरा भी बोलते हैं। बीजांड के बीच बीच में एक भ्रूण कोश होता है, और इसमें एक पोलर निकुलाई जो होता है, यहाँ पे दो न होता है लेकिन एक बन जाता है, दोनों जुड़कर तो क्या डिप्लॉयड, क्या हो जाएगा डिप्लॉयड। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 2n होता है, ध्रुवीय केंद्रक होता है एक, और बीजांड में एक अंडकोश का होता है, बीजांड में दो सहायक कोश का होता है, और इसमें बीजांड में एक बीजांड द्वार होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और बीजांड के डंठल को फनिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फनिकल कहते हैं। ये रचना इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, बहुत बेहतर होगा, लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक था, इसको आप नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर लीजिएगा, और याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जो भी उठेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आठ केंद्रक वाला ही से उठता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।